JBL हरमन मतलब साउंड सिस्टम, वो भी धमाकेदार वाला। ये हमारे चैनल पे पहले TWS का रिव्यू जो हम कर रहे हैं आज, मैं देखने वाला हूँ किस तरह के हैं। एक्चुअली एक भाई ने परचेज किए थे, बीरो से तुम इनके देख ही चुके हो, साइज तो इनका यार बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट है। और जल्दी से इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं ताकि तुम इस कंक्लूजन पे आ सको कि जैसे इनका MRP शो कर रखा है 899, मतलब कि 9000 रुपए के हैं ये, लेकिन 50% ऑफ के साथ ही हमें उस पे मिल रहे हैं Amazon पे, इवन के हमें 3500 रुपए तक के भी ये मिल रहे हैं। तो देखते हैं कि 3500 रुपए तक का प्राइस ये जस्टिफाई करते हैं या नहीं करते। ऑफ कोर्स इसको खोलेंगे, इसको चेक करेंगे, उसके बाद ही हम ये चीज बता सकते हैं कि हाँ ये प्राइस इसके लिए जस्टिफाई करता है या नहीं है, मतलब वर्थ इट है या नहीं है। और क्वालिटी कैसी है यार इनकी, ये तो मतलब तुम्हें वीडियो देख के ही पता चलेगा ना, तो लगे रहो वीडियो में साथ साथ। तो जल्दी से इस बॉक्स को खोला जाए और दिखाते हैं तुम्हें कैसी इनकी लुक्स है। तो बॉक्स की भाई हमने एक्चुअली इसको थोड़ा सा चेक किया था, इस वजह से थोड़ी देर इसको यूज किया था, उसके बाद ही रिव्यू बनाया तो अच्छा होता है ना, मतलब सीधा मैं रिव्यू बना दूं और मतलब पता भी ना चले एक मिनट में क्या ही तो मैं टेस्ट कर पाऊंगा ना इस चीज को। तो थोड़ा सा हमने पहले इसको यूज कर लिया था इसलिए दोबारा इसको पैक कर लिया है। तो इसकी पैकिंग थोड़ी सी हिली हुई है, ये है इसका बॉक्स और इस तरह की कुछ इसकी पैकिंग है। बॉक्स के ऊपर क्या कुछ है ये हम नहीं बताएंगे, सब वीडियो में बता देंगे तुम्हें, जो कुछ भी है बॉक्स पे क्या कुछ इनकी सब कुछ की फीचर्स वगैरह सब वीडियो में पता चल जाएगा, तुम्हें छोटी सी वीडियो बनाएंगे। वाओ, तो कुछ ऐसी तो इनकी पैकिंग है। तो इधर निकल जाता है हमारा ये केस जो इनका बर्ड्स का केस है, इसको रखते हैं एक बार साइड में, और ये हैं हमारे बर्ड्स, इनको भी रखते हैं इधर। देखो साइज देखो बर्ड्स का, है ना मस्त है ना शेप एकदम। देखो यार ऑफ कोर्स हमारा गेमिंग चैनल है ये तो तुम जानते ही हो, तो देखते हैं, मैंने इनको थोड़ा सा टेस्ट किया था गेमिंग के अकॉर्डिंग, तो वो चीज चेक करते हैं कि हाँ अगर तुम 3500 रुपए लगा रहे हो, तुम मूवीज देखनी है, तुम्हें म्यूजिक सुनना है, तो क्या उसके साथ ये मतलब गेमिंग में भी काम आ सकते हैं या नहीं आ सकते, तो वो चीज मतलब तुम्हें वीडियो देख के ही पता चलेगा। तो बॉक्स के अंदर और क्या कुछ निकलता है, बॉक्स के अंदर निकलता है एक तो ये हमारा केस, हमारे बर्ड्स जो कि इस तरह से पैक कर रखे थे तुमने देखे पैकिंग, और एक निकलती है चार्जिंग वायर जो कि टाइप सी चार्जिंग वायर है, मतलब वायर की क्वालिटी ठीक ठाक है और लेंथ भी ओके है, और JBL वालों ने मेंशन कर रखा है कि तुम मतलब ये कंपैटिबल है ये वायर, इससे और फोन वगैरह भी तुम चार्ज कर सकते हो, मतलब ठीक ठाक पावर दे देगी, ये फास्ट चार्जिंग कनेक्टिविटी वाली वायर है क्योंकि। तो वायर भी रख लीजिए साइड में। और बॉक्स के अंदर हमें मिलते हैं ये तीन एयर टिप्स, मतलब तीन साइज के अकॉर्डिंग आती है इसमें, एक साइज तो उन्होंने बर्ड्स के ऊपर ही लगा रखा है, एक तो बहुत बड़ा साइज है और एक बहुत ही छोटा साइज है, ठीक है, जो हमारी गर्लफ्रेंड्स वगैरह जैसे कान होते हैं ना छोटे छोटे बच्चों जैसे छेद, ये उनके लिए है, और एक बड़े बड़े जैसे मर्द लोग, बहुत ज्यादा बड़े मर्द लोग कुछ उनके कानों के लिए है जिनके बड़े बड़े कान हो, हमारे ठीक ठाक से हैं तो हमारे में स्टैंडर्ड वाला सही काम कर जाता है। तो इसके अंदर निकल रही है मैनुअल सी, यार इसका कुछ काम नहीं है, तुम चेक कर लेना, और क्या ही चेक करोगे जब हम तुम्हें बता ही रहे हैं सब, तो तुम मैनुअल काहे चेक करोगे जब हम सब बता रहे हैं। तो देखो कनेक्टिविटी की बाद में बात करते हैं एक बार इनकी, सबसे पहले इनको डाल लेते हैं इसके अंदर, इस तरह से डल जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। ये अलग आए थे पैक हुए, JBL वालों ने अलग पैक करके दे रखे थे, और मैं यार कायल हूँ इस JBL कंपनी का भी कसम से, JBL हरमन साउंड सिस्टम, इनसे फाड़ साउंड सिस्टम शायद ही मैंने आज तक अब तक किसी ब्रांड का देखा है। ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा महंगी ब्रांड्स होगी, लेकिन अफोर्डेबल रेंज में, जो मिड अफोर्डेबल रेंज है ना उसके अकॉर्डिंग इनका साउंड सिस्टम भाई बहुत ही ज्यादा गजब है, तो मतलब इन पे आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो, क्योंकि ये डेडिकेटेड है, मतलब यार ये कंपनी साउंड सिस्टम म्यूजिक सिस्टम बेस ट्यूब वगैरह सब चीज बनाने के लिए। तुमने चेक भी किया होगा किसी लैपटॉप के अंदर JBL हरमन के स्पीकर आते तो उनका डिफरेंस तुमने ऑफ कोर्स देखा ही होगा, तो इनके पे भी तो मतलब भरोसा तो कर ही सकते हो, साउंड तो इनकी गजब ही मिलनी है, लेकिन गेमिंग के सेगमेंट में कैसे होने वाला है चेक करके देखेंगे इसको, गेमिंग के अकॉर्डिंग भी उनसे बिल्कुल सही पता चल जाएगा। बात की जाए इनकी लुक्स की, हमने ब्लैक कलर में ऑर्डर किए थे, ये तीन तरह के और कलर्स में आते हैं, एक तो ब्लू व्हाइट सा कलर होता है जिसको मिंट कलर इन्होंने नाम दे रखा है, और एक ब्लैक रेड सा कलर है, एक प्योर व्हाइट कलर है और एक ब्लैक कलर है, तो मैं स्क्रीन पर ऑफ कोर्स चारों के चारों कलर दिख ही रहे होंगे, तो इन सारे कलर्स में आते हैं भाई। मैन इन ब्लैक तो हमने तो कर रखा है ब्लैक वाला ऑर्डर, तो हमें था यही वाला पसंद जो कि एवर ग्रीन मतलब एवर ब्लैक कलर है, तो यही चलता है हमारे इसमें तो ज्यादातर, मुझे और मेरे भाई लोगों को तो यही वाला कलर पसंद आता है ब्लैक कलर। उसके साथ ये जो आते हैं ये एक साल की वारंटी के साथ आते हैं, मतलब कुछ टूट फूट मतलब फिजिकल डैमेज के नहीं, ऑफ कोर्स पता ना चले कंपनी को तो तुम कर सकते हो कि शो ना होता हो फिजिकल डैमेज, मतलब गिर जाए खराब हो जाए सारी चीजें, तो एक साल तक तुम इनको रिप्लेस करवा सकते हो बिना किसी दिक्कत के, जस्ट JBL के सर्विस सेंटर पे जाओ और जस्ट उठा के और बिल की कॉपी इनवॉइस कॉपी ले जाओ साथ में, तो जब भी तुम्हारे बदल के दे देंगे ये, अगर नहीं होगा तो रिपेयर करके भी दे सकते हैं अगर रिपेयर करने के लायक होंगे तो। अब बात करें इनकी शेप की, तो शेप यार मस्त है, छोटी सी यूं लग रहा है जैसे अंडा सा फैला दिया है, इस टाइप की कुछ शेप है थोड़ा सा। वन प्लस के बर्ड्स आते हैं ना वो थोड़े से पसरे पसरे से होते हैं, फैले फैले से, इन्होंने बस इनको थोड़ा सा ऊंचा बना दिया है और थोड़ा सा भीड़ा बना दिया है, तो इनका कुछ इस तरह का इनका केस है। बर्ड्स पे अभी ये लाइट जल रही होगी तुम्हें दिख रही होगी, तो जो ये लाइट दिख रही है इससे पता चल रहा है कि अभी ये चार्ज हो रहे हैं, अगर इसको पकड़े हम दो उंगलियों के बीच ऐसी लुक है यार, तुम देख सकते हो इसका एग्जैक्ट कलर तुम्हें दिख रहा होगा इस टाइम पे। जो केस का वेट है इसका लगभग 70 ग्राम वेट है जो मेंशन कर रखा है इन्होंने साइड
वेट पे, जो इनका वेट है ये अप्रोक्स 10 ग्राम है बस, ठीक है, मतलब बिल्कुल ही फेदर टच है, बहुत ही ज्यादा हल्के हैं। मैं फील कर सकता हूँ, मैं लिटरली मैंने एप्पल के भी यूज किए हैं, मैंने वन प्लस के भी यूज किए हैं, काफी यूज किए हैं, सैमसंग वाले भी चेक किए हैं अब तक, तो इनका वेट मेरे को कसम से काफी लाइट लग रहा है। अब जैसे मैंने इसको निकाला, देखो केस से बाहर निकालते ही ये राइट वाला बर्ड है, इसके ऊपर देखो ब्लू लाइट ब्लिंक कर रही है, इससे पता चलता है कि पेयरिंग के लिए रेडी है। तो जस्ट तुम्हें फोन के अंदर ब्लूटूथ सर्च करना है, पेयर करके ही दिखा देते हैं, और फोन के अंदर जस्ट ब्लूटूथ ऑन करना, अवेलेबल डिवाइसेस के अंदर चेक करो, सेकंड नंबर पे इनका नाम आ चुका है। इसको टैप करेंगे जस्ट हम, ये पूछेगा पेयरिंग के लिए अलाउ एक्सेस टू योर कॉन्टैक्ट्स एंड कॉल हिस्ट्री, ओके पेयर। और भाई ये हमारे हो चुके हैं पेयर, और इनके अंदर बैटरी है इस टाइम 100%, ये तुम्हें श्योर ही होगी। और इनको लगा लेते हैं हम कान में, क्योंकि हमने कर चुके हैं इनको पेयर, ये राइट वाला था ये लेफ्ट वाला था। भाई लगाते ही वो लग रहा है जैसे ना कानों के अंदर एको सी बन गई हो, नॉइस कैंसलेशन टाइप से का बहुत तगड़ा फील हो रहा है, जैसे दुनियादारी से हमारा नाता ही टूट गया। कोई सॉन्ग प्ले करके देखते हैं एक बार, भाई क्या साउंड है, बहुत ही फड़ साउंड है, कसम से गजब साउंड है भाई, कसम से बहुत ही मस्त साउंड है। जो इसकी बेस है ना, बेस तो बहुत ही ज्यादा डीप है, म्यूजिक मतलब नेक्स्ट लेवल, ऐसा लग रहा है थिएटर के अंदर बैठे हो तुम यूज करोगे इसको, तुम्हें साफ पता चल जाएगा कि हाँ कुछ अलग, कुछ अपग्रेड किया है तुमने अपने खुद के म्यूजिक सिस्टम को। और बात करें इसकी कनेक्टिविटी की, तो यार ये ब्लूटूथ 5.0 की कनेक्टिविटी के साथ आते हैं, 8000 इनका MRP है, थोड़े से शायद पुराने, मे बी पुराने तो नहीं कह सकते ज्यादा, लेकिन यार 5.1 5.2 वर्जन आ चुके हैं आजकल मार्केट में, तो हो सकता है वो भी दे सकते हैं, लेकिन 5.0 भी आउट ऑफ द बॉक्स मतलब बहुत ही ज्यादा तेज है, ऐसी बात नहीं है, एकदम से इंस्टेंट पेयरिंग है, रैपिड पेयरिंग है मतलब, और मेरे को तो सही लगा, मेरे को कोई इशू नहीं है ब्लूटूथ का, ऐसा कनेक्टिविटी का कोई सीन मेरे को फील हुआ हो, कोई ड्रॉप या फिर दूर या लेटेंसी वगैरह कुछ भी, मेरे को तो बहुत मस्त लगे इस चीज में। अगर इनके बैटरी बैकअप की बात की जाए तो सोचो कितना होगा, 21 घंटे का, मतलब 3 घंटे की मूवी हो अगर तो 7 घंटे तक तुम लगातार पिक्चरें देख सकते हो, कैसे 6 घंटे का बैकअप है भाई इनका खुद का बर्ड्स का जो इन्होंने दे रखा है, एक बार फुल चार्ज करने के बाद 6 घंटे तक चलेंगे नॉनस्टॉप, बढ़िया मतलब बढ़िया साउंड में, बढ़िया तेज आवाज में, तुमको 6 घंटे तक यूज कर सकते हो, 6 कहती है कंपनी ने मतलब बॉक्स के ऊपर लिख रखा है 6 आवर्स, तो भी तुम 5 मान के चलो, ठीक है 5 तो दे गई, 1 घंटे की तो थोड़ी बहुत रोल कर सकता ना कोई। और जो है केस के अंदर खुद भाई 15 घंटे का है इसका केस का जो चार्ज होता है, ये तो बार बार चार्ज करने के अकॉर्डिंग 15 घंटे तक की चार्जिंग ये दे सकता है हमारे बर्ड्स को। और इसकी कनेक्टिविटी बहुत ही ज्यादा इजी है, और इन केस अगर तुम सारी बैटरी 21 घंटे भी अगर तुम चूस गए, मान लो बहुत ही तगड़े वेले हो, मतलब सारा ही दिन तुमने मूवी देख डाली, सब कुछ देख डाला, हर तरह की मूवीज, ठीक है सब कुछ गेम खेल लिए, मूवी देख ली, सब कर लिया, तो उसके बाद भी अगर मान लो तुम इसकी बैटरी बिल्कुल चूस गए, तो तुम्हें करना क्या है जस्ट, और तुम्हें चाहिए फिर से और नया बैकअप, तो तुम क्या कर सकते हो, जस्ट इसको 15 मिनट्स के लिए चार्जिंग पे लगाओ, केस के साथ लगा के कोई भी अडेप्टर यूज करो, बढ़िया बढ़िया कंपनी का कर लेना यार, कभी सोचो कि हाँ कम पावर वाला अडेप्टर ठोक दो तुम इसके अंदर, फिर सोचो 15 मिनट में चार्ज नहीं हुआ, तो कंपनी क्या क्लेम करती है 15 मिनट के लिए इनको चार्ज करो, फिर 1 घंटे तक दोबारा तुम इसको यूज कर सकते हो, मतलब 15 मिनट सेक्रीफाइस करके 1 घंटा तो तुम इसको यूज कर ही सकते हो ना, तो वो भी मेरे को बहुत बढ़िया लगा, मतलब रैपिड चार्जिंग ही है। लेकिन एक चीज देखी यार मैंने, जैसे बर्ड्स है तो 15 मिनट चार्ज करके 1 घंटा, यार मतलब इस हिसाब से तो वन प्लस वाले तो बहुत तगड़े, मतलब कुछ अलग ब्रांड्स हैं जो कि बहुत तगड़ी, मेरे को ये चीज में थोड़ा सा इसका कम लगी ये चीज यार, 10 मिनट चार्ज करके कहीं तो यार 10-10 घंटे का बैकअप दे रहे हैं, और ये 15 मिनट के बाद चार्ज करने के बाद भी सिर्फ 1 घंटे का बैकअप, मतलब ये चीज मेरे को हल्का सा इसका ड्रॉबैक लगा, मतलब 15 मिनट में एटलीस्ट 5-7 घंटे का तो बैकअप इसको देना चाहिए था, पर ठीक है काम चला देगा क्योंकि केस के अंदर भी तो काफी तगड़ी बैटरी है ना। चार्जिंग के यहाँ पे टाइप सी का इन्होंने पोर्ट दे रखा है, इधर तुम्हें दिख रहा होगा ये टाइप सी वाला पोर्ट है, इधर बैक साइड में इन्होंने दे रखा है, इसके साथ में एक ऑरेंज कलर की केबल दे रखी है जो कि टाइप सी टू टाइप ए है, कोई भी अडेप्टर उससे कनेक्ट करो और इसमें ठोक दो और चार्ज करो इसको, बहुत ईजी है चार्जिंग तो। और इसका एक और की फीचर मेरे को कि हाँ जो कि थोड़ा सा ना यूनिक सा लगा, थोड़ा अलग सा लगा, वो क्या है, जैसे इन्होंने ना JBL वालों ने इसमें एक स्पेशल चीज और दे रखी है, जो वो की है कि वॉइस असिस्टेंट सपोर्ट। उसका क्या मतलब है, जैसे मान लो तुम्हारे पास अलेक्सा डिवाइसेज हैं या फिर कुछ भी, मतलब फोन में अलेक्सा हो, जो भी मतलब तुम्हारा रेलेवेंट फोन के अंदर, आईफोन है तो सीरी होगा, एंड्रॉइड यूज कर रहे हो तो गूगल असिस्टेंट वगैरह होगा, तो इस तरह से तो जो भी तुम्हारे वॉइस असिस्टेंट के कमांड के लिए जो यूज हो सकते हैं ना, जैसे रेलेवेंट जो फोन के अकॉर्डिंग तुम्हारे अंदर है, मतलब जो इन्होंने दे रखा है यूनिक की फीचर, मैंने तो देखो यूज किया नहीं है रियल टाइम में, बता रहा हूँ प्रैक्टिकली अपनी चीज, तुम्हें अगर लगे यूज भाई तुम कर लेना, मेरे को तो कोई खास यूजफुल वैसे चीज लगी नहीं। तो बात करें अगर इसके गेमिंग एक्सपीरियंस की, तो गेमिंग एक्सपीरियंस तो तुम्हें खेल बताऊंगा मैं कि कैसा लग रहा है, तो चलो तुम्हारे सामने गेम प्ले करके दिखा देता हूँ, एक आधा एरिना का मैच खेलते हैं, उससे पता चल जाएगा कि साउंड की कितनी लेटेंसी है, कैसी साउंड आ रही है गन्स वगैरह की, और मतलब इसकी वॉइस वगैरह भी कैसी काम कर रही है, सब पता चल जाएगा। तो लेट्स गो, तो गेम एक्सपीरियंस का करते हैं, तो जल्दी से एक आधा एरिना का मैच खेल के देखते हैं कि कैसा क्या है। तो जल्दी से एरिना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसा चलता है। बर्ड्स हमने लगा रखे हैं JBL CW1S TWS ये।
भाई देखो मैं जैसे खेल रहा हूँ ना, टाइप कर रहा हूँ, तो मेरे को साउंड ना हल्की सी लेटेंसी में शो हो रही है। तो इस तरह से यार फुटस्टेप्स भी, ई स्पोर्ट्स प्लेयर हो तुम तो दिक्कत हो सकती है। वो मैच कर दिया हमने एग्जिट, तुम्हारे सामने मैंने इनको लगा के गेम प्ले करके दिखाया है और खुद मैंने फील किया एक्चुअली। तो यार जैसे BGMI वगैरह है, PUBG जो भी तुम खेलते होगे, अगर तुम्हें इसमें चाहिए कि हाँ साउंड की एकदम एग्जैक्ट प्रिसीजन हो, मतलब बिल्कुल की हाँ गलती ना हो बिल्कुल भी साउंड की, ठीक है, ईयरफोन्स लगाते हैं जैसे वायरलेस लगाते हैं हम या वायर्ड लगाते हैं, तो वायर्ड के अंदर बिल्कुल भी लेटेंसी नहीं होती। कंपनी ने इनकी लेटेंसी नहीं बता रखी क्योंकि ये ई स्पोर्ट्स वगैरह के गेमिंग के लिए नहीं बने थे, ये ऑफकोर्स नॉर्मल चीजों के लिए, एंटरटेनमेंट मल्टीमीडिया नॉर्मल चीजों के लिए बने थे। तो उनके अकॉर्डिंग मैं फिर भी सोच रहा था कि हाँ शायद कि मूवी देखने के लिए अच्छे हैं, म्यूजिक सुनने के लिए अच्छे हैं, कि शायद गेमिंग के लिए भी सही हो, ठीक ठाक हो, खेली जा सकती है नो डाउट मतलब। लेकिन अगर तुम प्रैक्टिस करते हो, तुम्हें स्क्रीम्स खेलना है, ऑफकोर्स टूर्नामेंट वगैरह के लिए तुम ट्राई कर रहे हो, तो भाई फिर ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो सकता है, फिर इनको मत ट्राई करना, वायर्ड के साथ ही खेल लेना। नहीं तो और भी आते हैं जो रियलिटी में जिनकी बहुत कम लेटेंसी है, वायरलेस ही तुम वो यूज कर सकते हो, इनको उस तरह से यूज मत करना। तो अगर कंक्लूजन पे आए अपने, ठीक है कि हाँ 3500-3600 के फिलहाल आज की डेट में मिल रहे हैं हमें अमेज़न पे, उसके अकॉर्डिंग, और 50% डिस्काउंट लगभग इन पे चल रहा है, 50 से भी ज्यादा ही है, उसके अकॉर्डिंग ये वर्थ इट है या नहीं है? देखो यार गेमिंग के लिए मैंने बता दिया, गेमिंग के लिए थोड़े से अनफिट है, तो इन सब चीजों के लिए जैसे मूवी के लिए, ट्रैवलिंग में लेके जाने के लिए, म्यूजिक सुनने के लिए ऑफकोर्स, तो इन सब चीजों के अकॉर्डिंग तो लगे भाई मेरे को बिल्कुल ठीक ठाक, और मतलब बढ़िया बैकअप है इनका और प्रीमियम फील है, प्लास्टिक की बिल्ड भी एक नंबर की है, तो उसके अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि हाँ 3500-3600 रुपए में इतने बढ़िया बर्ड्स, ठीक है बढ़िया है कह सकते हो तुम, बढ़िया, क्योंकि इनकी जो फिटिंग है ना वो भी कंफर्टेबल है। मैंने जितनी देर भी यूज किए हैं अब तक मेरे को बिल्कुल भी इनमें हल्का सा भी यू नहीं हुआ कि मेरे को अनकंफर्टेबल सा फिट हो रहा हो, तो उसके अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि हाँ बर्ड्स बहुत कंफर्टेबल है, तो तुम इस पे रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन हाँ अगर प्योर गेमर हो, जैसे ऑफकोर्स यार तुम लोग मुझे गेमिंग प्रोडक्ट्स के रिलेटेड ही देखते हो, तो अगर तुम प्योर गेमर हो और उस चीज के लिए तुम्हें बाय करना है, तो उसके लिए मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, उसके लिए दूसरे हैं वायरलेस, उन पे रिव्यू बनाएंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि वो ले सकते हो, और चीजों के लिए अदर मल्टीमीडिया एंटरटेनमेंट के लिए इनको ले सकते हो, क्योंकि ट्रेबल बेस सारी चीज बहुत गजब है इनकी, बिल्कुल नहीं कह सकते कि इसकी साउंड में कहीं से भी कोई भी कमी है उस चीज में, तो मतलब तुम इस पे आंख बंद करके भरोसा करके इसको ले सकते हो, ठीक है। तो फिर हो गया डिसाइड, कर लिया, कंक्लूजन भी सुन लिया। अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो, और यार ऑफ कोर्स लाइक करके जाना वीडियो को, और बताना तुम्हें अगर तुम यूज कर रहे हो इसको ऑलरेडी तो तुम्हें कैसे लगते हैं, हो सकता है किसी के पास ऑलरेडी पहले से ही हो, तो अपना गेमिंग एक्सपीरियंस कमेंट्स में शेयर करना, और मुझे बताना कि कोई भी की फीचर में से रह गया हो। और एक और चीज यार, इसमें वाटरप्रूफिंग के बारे में मेरे को कोई चीज पता नहीं चली, मैंने कहीं पढ़ा नहीं इसके बारे में, कहीं मेरे को कहीं भी दिखी नहीं, ना मेरे को इसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह में कहीं पे पता चली, तो मैं नहीं कहूंगा तुम इसको चेक करो, रिस्क लेना पानी वगैरह में डुबो के ऐसा कुछ भी करने के लिए। ऑफकोर्स जिम में यूज कर सकते हो, आजकल ऐसे बर्ड्स जो नॉर्मली बनते हैं इतने तो स्वेट प्रूफ सारे ही होते हैं। तो फिर गाइस चलते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट गेमिंग रिलेटेड वीडियो के अंदर। फिर भी कोई क्वेरी अगर रहेगी हो तुम्हारी, कोई क्वेश्चन तुम्हें पूछना हो, तो इंस्टाग्राम वगैरह पे मैसेज करना, मैं सबको मोस्टली ट्राई करता हूँ रिप्लाई करने की, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, तुम वहां पे जाके चेक कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हैप्पी गेमिंग।